मैं स्टेटमेंट को आपके सामने पढ़ता हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और फिर आपको इसकी हर एक बात अच्छी तरह से समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, एक पार्टी में 10 पुरुष आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट्स, इन ए पार्टी 10 मैन शेक हैंड टू वन अनदर, काउंट द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन दैट पार्टी। स्टूडेंट बहुत ही आसान प्रश्न है अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए कहता है 10 पुरुष पार्टी में है और आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितनी बार पार्टी में हाथ मिलाए गए। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके सामने कभी भी आ जाए तो आप 10 आदमी, पार्टी में कितने आदमी हैं, 10 गुना 10 माइनस 1 9, 10 गुना 9 और बटा 2, अपॉन 2 करना जरूरी है, बाय 2 करना जरूरी है, 10 इंटू 9 अपॉन 2, अगर इसको हम काटते हैं तो मिलता है 45। तो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन के नीचे, स्टेटमेंट के नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं 65, 55, 42 और 45, चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें आंसर बनता है। कभी भी अगर पार्टी में 30 व्यक्ति हैं तो 30 माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 यानी 29 अपॉन 2, ये करने के बाद जो काउंटिंग आती है वही हमारा आंसर होता है। देखिए अगर एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं तो 20 गुना 19 20 इंटू 20 माइनस 1 अपॉन 2, ये देखिए तो यहां पर हमें 190 प्राप्त होता है। इसका मतलब उस पार्टी में 190 बार हाथ मिलाए गए अगर वो 20 व्यक्ति है, अगर 30 व्यक्ति है तो 29 गुना 15 और अगर 10 व्यक्ति है तो 9 पंजे 45 बार हाथ मिलाए गए। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान प्रश्न है। इसी का दूसरा प्रश्न है, कई बार यही प्रश्न दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, कैसे, कहता है एक विवाह पार्टी में कुछ पुरुषों ने आपस में 105 बार हाथ मिलाए, विवाह पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन बदल दिया, पहले क्वेश्चन में आदमियों की संख्या दी गई थी, पुरुषों की संख्या दी गई थी और कितनी बार हाथ मिलाया गया कुल पार्टी में ये पूछा गया। अब की बार प्रश्न में उल्टा है कि पार्टी में कुल इतनी बार हाथ मिलाया गया तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। स्टेटमेंट फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक विवाह पार्टी में कुछ पुरुषों ने आपस में 105 बार हाथ मिलाए, विवाह पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट्स, इन ए मैरिज पार्टी सम मैन शेक हैंड्स टू वन अनदर 105 टाइम, काउंट द टोटल नंबर ऑफ मैन इन दैट पार्टी। फिर देखिए स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को, एक विवाह पार्टी में कुछ पुरुषों ने आपस में 105 बार हाथ मिलाए, उस पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। इन ए मैरिज पार्टी सम मैन शेक हैंड टू वन अनदर 105 टाइम, काउंट द टोटल नंबर ऑफ मैन इन दैट पार्टी। देखिए अभी ये प्रश्न जो है, हमने पहले प्रश्न को देखा कि पार्टी में अगर 10 पुरुष थे तो 10 गुना 9 बटा 2, अगर पार्टी में 30 पुरुष थे तो 30 गुना 1 घटाकर यानी 30 माइनस 1 29 अपॉन 2, और अगर पार्टी में 20 व्यक्ति थे तो 20 गुना 19 बटा 2 यानी 20 इंटू 20 माइनस 1 अपॉन 2, इसको करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी उसका आंसर हमारा 45 ऑप्शन में हमें दिखाई देगा, हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ही आपको दूसरे भी और एग्जांपल इसमें दिखाए। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है एक पार्टी में कुछ पुरुषों ने 105 बार हाथ मिलाए, और स्टूडेंट्स ऑप्शन में दिया है 20 10 15 25। देखिए 20 10 15 और 25, उसमें पुरुष दिए थे और हाथ कितनी बार उन्होंने मिलाया ये पूछा गया, लेकिन इसमें देखो इसमें हाथ इतनी बार मिलाया यानी 105 बार उन्होंने हाथ मिलाया तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर 105 बार हाथ मिलाया गया तो नीचे ऑप्शन में पुरुषों की संख्या दी गई है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि अगर
पुरुष 20 है तो 20 गुना एक घटाकर 20-1/2 करते हैं तो देखिए क्या आता है 190। तो 190 बार तो सेकंड नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है तो दूसरे ऑप्शन के गुना हम दूसरे ऑप्शन के यानी 10 × 9/2 करते हैं तो ये तो 45 हुए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर हम 15 पे जाते हैं, 15 × 14 यानी 15-1/14/2 तो देखिए ये 7। तो यहां पर हमें प्राप्त होता है 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105। तो देखिए इसका मतलब 105 जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, 105 बार हाथ मिलाए, अगर एक पार्टी में कुछ पुरुषों ने 105 बार हाथ मिलाए तो पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन में पुरुषों की संख्या दी गई होगी 20, 10, 15 और 25। तो देखिए यही सूत्र मैंने जब 20 पर लगाया तो 20 यानी 105 नहीं बना, फिर दूसरे पर लगाया 10 पे लगाया तो भी नहीं बना, फिर मैंने 15 पे लगाया 15 × 14/2 तो देखिए 105 की काउंटिंग यहां पर पूरी हुई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी टॉपिक पर हमारा अगला प्रश्न है, देखिए स्टेटमेंट कहता है एक किटी पार्टी में 20 महिलाओं ने एक दूसरी महिला को हेलो शब्द से विश किया। हेलो शब्द से विच किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है स्टूडेंट्स। कहता है एक किटी पार्टी में 20 महिलाओं ने एक दूसरी महिला को हेलो शब्द से विच किया, बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हेलो शब्द का उच्चारण हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कहता है इन ए किटी पार्टी 20 लेडीज से हेलो टू वन अनदर, हाउ मेनी टाइम दे यूज हेलो वर्ड इन दैट किटी पार्टी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही है, कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन अब की बार एक्शन रिएक्शन का फर्क है। स्टूडेंट्स देखिए जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर मेरे सामने 5 व्यक्ति खड़े हैं और मैं उनसे हाथ मिलाता हूं तो प्रत्येक से मैं हाथ मिलाता जाता हूं, कभी भी हाथ मिलाने में शेक हैंड में ऐसे नहीं होता कि एक बार मेरे नाम का और एक बार तेरे नाम का, डबल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन हेलो शब्द में डबल एक्शन जरूर होगा, क्योंकि मैं आपको हाय बोलता हूं तो आप भी मुझे हाय बोलेंगे, अगर मैं आपको हेलो बोलता हूं तो आप भी मुझे हेलो बोलेंगे। तो देखिए ये मेंटल पावर की बात है, आप अपने मेंटल एबिलिटी से ये बात जरूर सोचेंगे कि यहां पर शेक हैंड हुआ है या हेलो या हाय या कोई विश, क्योंकि विश जो होता है वो हमेशा मैं आपको विश करूंगा आप मुझे विश करेंगे तो वो हमेशा डबल होगा, इसमें एक्शन डबल होता है। लेकिन शेक हैंड जो होता है उसमें एक्शन सिंगल होता है, आपने हाथ मिलाया फिर आपने अगले से हाथ मिलाया तो सबसे एक ही एक एक बार आपने हाथ मिलाया तो एक्शन जो है वो सिंगल है। लेकिन विश में मैं आपको हाय बोलता हूं आप मुझे हाय बोलते हैं तो हाय शब्द का उच्चारण दो बार होता है, अगर मैं आपको हेलो बोलता हूं आप मुझे हेलो बोलते हैं तो डबल रिएक्शन होता है। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है इसमें एक्शन डबल है, इसे हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एक्शन डबल है, इसके अंदर रिएक्शन डबल है, तो हमें उसी प्रकार से इसको हल करना होगा। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है एक किटी पार्टी में 20 महिलाओं ने, दोबारा पढ़ रहा हूं, एक किटी पार्टी में 20 महिलाओं ने एक दूसरी महिला को हेलो शब्द से विश किया, बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हेलो शब्द का उच्चारण हुआ। इन ए किटी पार्टी 20 लेडीज से हेलो टू वन अनदर, हाउ मेनी टाइम दे यूज हेलो वर्ड इन दैट किटी पार्टी। और ऑप्शन में दिया है स्टूडेंट्स 160, फिर दिया है 200, दो नंबर ऑप्शन में, तीन नंबर ऑप्शन में 380 और चार नंबर ऑप्शन में दिया है 190, 160, 200, 380, 190। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं और किटी पार्टी में कहता है कि 20 महिलाओं ने, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां भी काउंटिंग है, लेकिन 20 महिला 20 गुना यानी 20 × 20-1 सिंगल रिएक्शन तो पहले हम जरूर निकालेंगे, सिंगल रिएक्शन हमारे लिए डबल रिएक्शन को निकालने का एक आसान तरीका है, पहले सिंगल रिएक्शन हम निकालेंगे 20 × 20-1 यानी 19/2। देखिए 20 × 19/2 अगर इसको हम काटते हैं तो हमें मिलता है 190। इसका मतलब अगर शेक हैंड किए होते तो रिएक्शन एक है सिंगल है तो 190 बार
हाथ मिलते। लेकिन इस सवाल में कहता है 20 लेडीज हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को हेलो शब्द से विश किया है, तो हेलो का उच्चारण डबल होता है, अभी मैंने बताया था डबल रिएक्शन होता है, तो इसलिए हमें यहां पर गुना दो करना होगा और ये आएगा 380। देखिए ऑप्शन में 380 हमें आंसर यहां पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी हम जब इन सवालों को करें, ये सवाल हमें फेस करने पड़े, तो एग्जाम में हम जरूर ये देखेंगे कि एक्शन सिंगल है या डबल। अगर सिंगल रिएक्शन है तो एक बार में ही हमारा काम बन जाता है, लेकिन अगर रिएक्शन डबल है तो यहां पर हमें गुना दो जरूर करना होगा। अगर ट्रिपल है, तीन बार ऐसा हुआ है, अगर प्रतिक्रिया तीन बार हुई है तो तीन करना होगा। और कई बार ये भी कह दिया जाता है कि एक बार आते हुए और एक बार जाते हुए सभी ने आपस में हाथ मिलाए, तो स्पष्ट है स्टूडेंट्स हाथ मिलाने में एक बार आते हुए एक बार जाते हुए तो हम यहाँ पर डबल गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हेलो में ऐसा होता है, एक बार आते हुए हेलो किया, एक जाते समय हेलो है किया, तो वहां पर जाते समय के में डबल और आते समय में भी डबल, तो हम उस तरह से नीचे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है एक किटी पार्टी में सभी महिलाओं ने आपस में एक दूसरी महिला को तोहफा दिया। देखिए स्टूडेंट्स तोहफा दिया, यदि पार्टी में कुल 306 तोहफे बांटे गए हों तो पार्टी में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स तोहफे दिए, तोहफे का मतलब डबल, डबल एक्शन है, यानी मैं आपको तोहफा देता हूं, आप मुझे तोहफा देते हैं। अगर 10 पुरुष कहीं पर इकट्ठे होते हैं और आपस में एक दूसरे को तोहफे देते हैं, तो सभी एक दूसरे को तोहफे अगर देते हैं तो मैं आपको देता हूं आप मुझे देते हैं, तो इस तरह से डबल प्रतिक्रिया इसमें होती है, डबल इसमें रिएक्शन होता है। कहता है एक किटी पार्टी में सभी महिलाओं ने आपस में एक दूसरी महिला को तोहफा दिया, यदि पार्टी में कुल 306 तोहफे, ये याद रखने की बात है, 306 तोहफे बांटे गए हों तो पार्टी में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट्स, इन ए किटी पार्टी ऑल लेडीज गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर इफ टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स वर 306 फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट पार्टी, उस पार्टी में टोटल महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम इस क्वेश्चन को करें तो इसमें हमारी मेंटल पावर से ये जरूर सोचें कि एक्शन सिंगल है, रिएक्शन सिंगल है या डबल। यहां पर तोहफे दिए गए हैं तो डबल रिएक्शन है, तो स्टूडेंट्स और कितने तोहफे बांटे गए हैं पार्टी में, और इसके ऑप्शन लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, ऑप्शन है 20, 18, 26 और 25, 26 और 25, 20, 18, 26 और 25, और तोहफे बांटे गए हैं स्टूडेंट्स देखिए 306। अब जब यहां पर हमें क्वेश्चन में व्यक्ति नहीं दिए गए, महिला नहीं दी गई बल्कि तोहफे दे दिए गए, तो हमें अब उन तोहफों से उन महिलाओं का पता लगाना है कि महिलाओं की संख्या पार्टी में क्या थी। तो देखिए डबल रिएक्शन है तो सबसे पहले इसको बाय टू कीजिए, बाय टू हम इसको करते हैं तो देखिए 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, सिंगल रिएक्शन बन गया। ये देखिए स्टूडेंट सिंगल रिएक्शन, और ऑप्शन में सिंगल रिएक्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन में सिंगल रिएक्शन किस पर बनता है वही फार्मूला हम लगाते हैं, यानी पहला ऑप्शन है 20, तो 20 गुना 19 बटे 2, अंडरस्टूड है, वैसे पता तो हमें पहले ही है कि 190 बनेगा, 190 हमारा आंसर नहीं मिला। ये देखिए जब हमने क्वेश्चन से 306 तोहफे उठाकर उनको बाई टू किया, क्योंकि ये डबल रिएक्शन है, तो कितना आया 153 हमारा यहां पर किससे बनेगा ये हमें देखना है। अब हम 18 को करते हैं, 18 माइनस 1 यानी 70/2, ये देखिए 9, और यहां हम इसको गुना करते हैं तो देखिए 9 × 7 = 63, 9 × 9 = 6, 15, ये देखिए 153, यहां पर 153 बन जाता है देखिए, और 153 306 का हाफ है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है 18 इसमें हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।